सिकंदर अली फ्रॉम जैकोबाबाद सिंध। दोस्तों, आज मैं आप दोस्तों को जिस अजीम बुजुर्ग हस्ती की ज़ियारत करवाने जा रहा हूँ, उस अजीम बुजुर्ग हस्ती का नाम है हज़र छतर शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह। दोस्तों, आज मैं आप दोस्तों को इस अजीम बुजुर्ग हस्ती की ज़ियारत भी करवाता हूँ और साथ साथ इसके मुतलक जो मालूमात है वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। तो चलिए मैं आप दोस्तों को दरगाह की ज़ियारत करवाऊँ। हज़रत शाही सखी पीर छतर शाह नूरानी के वालिद का नाम पीर तरीके तहब शरीत सैयद अब्दुल वली शाह था और बड़े भाई का नाम सैयद अबर शाह था। आपका सिलसिला नस्ल आठवें इमाम मौला अली रजा रजी से मिलता है। सैयद सुनी पीर छतर शाह नूरानी बचपन से ही मौजूदात और करामात से मशहूर थे। दूर दूर से लोग आपका दीदार करने आते थे। आपका चेहरा मुबारक इतना नूरानी था कि जो भी एक बार देखता था तो आपकी दरबार से नहीं उठता था। पीर सैयद छतर शाह नूरानी हमेशा अपने मुरीदीन को राह हक, सिरात मुस्तकीम और दीन इस्लाम की तबलीग और उन्हें हिदायत करते रहते थे। पीर नूरानी अपनी करामात से इतने मशहूर थे, मुसलमान तो मुसलमान, गैर मुसलम भी अपनी मन्नतें और हाजात के हसूल के लिए आपके पास दुआ के लिए आते थे। और आप पर अल्लाह तबारक तआला का इतना बड़ा करम था कि जो भी हाजात या मन्नत लेकर आता था तो अल्लाह ताला आपकी दुआ की बरकत से उसकी हाजात जल्दी में पूरी फरमाता था। मतलब आपके दर से कोई भी साहिल खाली न लौटा। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी शहादत से कुछ साल पहले अपना आस्थाना इसी जगह पे बनाया जहाँ इस वक्त आप रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मुबारक है। और फिर तमाम मुरीदीन आम व ख़ास लोगों को दावत दी। उसके बाद जब तमाम लोग और मुरीदीन वहाँ पहुँच गए तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस मकाम पर खड़े होकर हुए जहाँ से अभी पानी निकल रहा है, उस मकाम पे खड़े होकर आप रहमतुल्लाह अलैह ने दुआ मांगी तो अचानक पहाड़ से पानी निकलने लग गया। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ऐ लोगो, ऐ मेरे मुरीदीन, इसको रास्ता दो और एक ताला बनाओ। लोग बहुत ज़्यादा थे तो उन्होंने जल्दी एक ताला बनाया। फिर ताला पानी से भर गया। पीर नूरानी सरकार ने अपने मुरीदीन को हुक्म दिया, जाओ मेरी जितनी भी भैंसें हैं उनको ज़बह करो और गोश्त यहाँ ले आओ। मुरीदीन और फुकरा ने हुक्म की तामील करते हुए ऐसा ही किया। भैंसों को ज़बह करके गोश्त आप रहमतुल्लाह अलैह के पास लेकर आए। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, कुछ गोश्त खैरात करो। तो फ़कीरों ने काफ़ी गोश्त खैरात किया। तो पीर नूरानी ने हुक्म दिया कि जो गोश्त बाकी बचा है उसे ताला में ले आओ और सब लोग भी ताला पर आओ। सब लोग ताला पर आ गए। तो पीर नूरानी सरकार ने एक एक बोटी गोश्त की ताला में फेंकते गए। जैसी बोटी ताला में गिर रही थी तो वो मछली बनती जा रही थी। दूसरे लोग और मुरीदीन ये मौजज़ा देखने के बाद हैरान और परेशान हो गए, ये क्या मौजज़ा है। फिर पीर नूरानी ने एक खुतबा फरमाया और कहा, ए लोगो, मैंने ये पानी अल्लाह तबारक तआला की बारगाह से तुम्हारे लिए लिया है। ये पानी न सिर्फ नहाने और पीने के लिए बल्कि तुम्हारे लिए शिफा भी है। अगर तुम इस पानी में शिफा के लिए गुस्ल करोगे तो यकीनन तुम्हें शिफा मिलेगी। और ये मछलियाँ मेरी हैं, तुम्हारे खाने के लिए नहीं हैं। भले इनकी शक्ल मछलियों की है, दर हकीकत में ये कुछ और हैं। आज तुम्हें जो कहना है कहो, जो पूछना है पूछो। शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात हो, शायद इसके बाद हम फिर न मिलें। तो 2-3 दिन के बाद सैयद पीर नूरानी साईं अपने प्यारे दोस्त सैयद लखन शाह से मिलने गए, जिसका आस्थाना कोटला और खारी गांव के दरमियान था। जैसे ही दोनों औलिया अल्लाह अपनी रमज इलाही में बैठे थे कि अचानक एक बूढ़ी बेबस लाचार औरत की आवाज़ आई कि है कोई अल्लाह वाला जो मेरी मदद करे। तो इतने में ये दोनों, ये पीर हजरत नूरानी सरकार और पीर लखन शाह साईं, उठे और उस औरत की तरफ चल पड़े और वहाँ पहुंचकर उसे कहा कि हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तो वो बूढ़ी औरत दुआ देते हुए कहा, अल्लाह आप दोनों को शाद व आबाद रखे। वो देखो, डाकू मेरा सारा माल मवेशी ले जा रहे हैं, मैं लाचार बेबस औरत अपने बच्चों का पेट अब कैसे पालूँगी। तो उन्होंने उस बूढ़ी औरत को तसल्ली देते हुए कहा कि तुम फिक्र मत करो, हम आपका माल वापस लाएंगे। ये कहकर दोनों पीरों ने तलवारें उठाई और डाकुओं के लश्कर के पीछे भागे और पहुंचकर डाकुओं से लड़ना शुरू कर दिया। डाकुओं की तादाद 20 से 25 तक थी और ये दो पीर थे। दोनों सैयदों ने बहुत बहादुरी और जुर्रत का मुजाहरा दिखाया और 8 से 9 डाकुओं को वासिले जहन्नम किया। फिर आखिर पीर लखन शाह बहुत ज़ख्मी हो गए और फिर छतर शाह नूरानी काफ़ी देर तक डाकुओं से लड़े। बिलाकर लड़ते लड़ते आप रहमतुल्लाह अलैह ने शहादत नोश फरमाई और जो डाकू बचे थे वो माल मवेशी छोड़कर भाग गए। इस तरह उस बूढ़ी औरत का माल की हिफाजत की और ने वो सारा माल वापस दिलवाया। ये खबर पीर लखन शाह ने हज़रत पीर नूरानी के बड़े भाई हज़रत सैयद अव्वल शाह को दी। वो अपने बहुत तादाद में मुरीदीन के साथ आए और पीर शहीद सुनी छतर शाह नूरानी को उनके आस्थाने पे ले गए, जो कि आपने अपनी ज़िंदगी में मकाम कब्र मुबारक बताई थी, वहाँ पर ले गए और आप रहमतुल्लाह अलैह को सुपर्द खा किया और पीर सैयद लखन शाह ने अपनी ज़िंदगी वहीं पे गुजारी जहाँ पे पीर सैयद छतर शाह नूरानी ने शहादत पाई थी। और कुछ महीनों के बाद पीर सैयद लखन शाह भी अपने मालिक के हकीकी से जा मिले और आज भी कोटला और खारी के दरमियान पीर लखन शाह और मकाम शहादत हज़रत पीर नूरानी में सारी मौजूद है। उसके बाद हज़रत शहीद सुन्नी पीर छतर शाह नूरानी के पहले गादी नशीन उसके बड़े भाई हज़रत सैयद अव्वल शाह बने। हज़रत पीर छतर शाह नूरानी की शादी के बाद भी फैज़ और करामत का सिलसिला बंद न हुआ। वक्त के बुज़ुर्गों से ये भी रवायत रही है कि हर जुम्मे के दिन मज़ार पे एक शेर आता था और पानी से एक बड़ी मछली निकलती थी और सारा दिन मछली और शेर आपस में खेलते रहते थे। आज भी 70 से 80 साल के बूढ़े इस बात के गवाह हैं और लोगों का भी यही कहना है कि बाद में उस मछली को मौजूदा गादी नशीन सैयद बच्चल शाह, जो इस वक्त गादी नशीन है और 2021 में सैयद बच्चल शाह, इसके दादा अब्दाल सैयद फैज मोहम्मद शाह ने सोने का भूला उस मछली के नाक में डाला था। उसके बाद भूले वाली मछली मशहूर हुई। दौरे बरतानिया में अंग्रेज़ों ने ज़मीन हिंद और सिंध पर कब्ज़ा किया था। उसे इस बात का पता लगा तो अंग्रेज़ ने इस बात को मानने से इनकार किया और मछली वाली बात को ढोंग समझकर वहां गए, मछली पकड़ी और फ्राई करके खा गया। रात को उसके पेट में शदीद दर्द पड़ा, महसूस हुआ कि पेट में कोई ज़िंदा चीज़ घूम रही है। जब वो हाजत के लिए गए तो पेट से ज़िंदा मछली निकली जो जली हुई थी, मतलब काले रंग की थी पर जिंदा थी। ये सब देखकर अंग्रेज़ ने तौबा की और हज़रत पीर छतर शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह को सच्चा पीर माना और इस्लाम की ताकत को जाना। आज भी मछली की नस्ल, काले रंग की मछली वहाँ पे पाई जाती है। दोस्तों चलिए अभी मैं आप दोस्तों को हज़रत पीर बच्चल शाह अल हसन जी पर ज़ियारत भी करवाता हूँ और उसे मिलवाता भी हूँ, जो कि हज़रत पीर छतर शाह नूरानी की औलाद में से है और जो मौजूदा गादी नशीन है। मैं दोस्तों को वो मंजर पेश नज़र करने जा रहा हूँ जो हज़रत छतर शाह नूरानी की दरगाह की कब्र के नीचे से एक बहता हुआ चश्मा नेचुरली मैं उसके अंदर जा रहा हूँ और साथ साथ आप दोस्तों को भी वो मंजर दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये चश्मा, ये पानी कहाँ से आ रहा है। तो मैं अंदर जा रहा हूँ आप दोस्तों को साथ लेकर। अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत, खुदा की शान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे नज़ारे हमारे लिए पैदा किए। ये देखें, मैं मुकम्मल अंदर गार के अंदर चला गया हूँ। ये देखें, यहाँ से ये पानी आ रहा है। हज़रत छतर शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के बिल्कुल नीचे से ये कुदरती चश्मा बह रहा है, बहुत ही ठंडा, शफाफ और मीठा पानी। दोस्तों इस वक्त हम हज़र छतर शाह हसनी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे हैं और इस वक्त उस दरगाह के कादी नशीन हज़रत बच्चल शाह हसनी सरकार के साथ बैठे और उसके फर्जंद हज़रत सैयद फैज मोहम्मद शाह के साथ बैठे हुए हैं। ये वो अजीम हस्तियाँ हैं जो हज़रत छतर शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह की औलाद में से हैं। तो आप दोस्तों को गादी नशीन की मैं ज़ियारत करवा रहा हूँ। कहते हैं कि अगर किसी सी औले अल्लाह की आपको ज़ियारत करनी हो तो उसकी औलाद की ज़ियारत करें, उन्हीं की औलाद से उनके आबा व अजदाद उस औले अल्लाह की ज़ियारत नसीब होती है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं और आप नाज़रीन जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन खुश नसीबों में से हैं कि हज़रत छतर शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह की औलाद की ज़ियारत मतलब उसकी ज़ियारत कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरे दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरे दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल वंडरफुल वर्ल्ड पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह मैं आप हजरात को औले अल्लाह के दरगाहों की ज़ियारत कराता रहूँगा। अपने मेज़बान सिकंदर अली को इजाज़त दें। आप दोस्तों का शुक्रिया।